नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी विषय नागरिक शास्त्र में, देखिए पाठ क्रमांक पहला है हमारा सामाजिक जीवन। तो इसमें प्रश्न आता है कि समाज कब बनता है। इसकी जानकारी आपको हो गई है कि जब लोग किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं तब उनका समाज बनता है। और इसका बृहत रूप में है कि समाज किसे कहते हैं। प्रश्न आता है कि समाज किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, देखिए कि समाज किसे कहते हैं। समाज में स्त्री पुरुष, वयस्क वृद्ध छोटे, लड़के लड़कियां, यहाँ लड़कियां होगा, समाज में स्त्री पुरुष, वयस्क वृद्ध छोटे, लड़के लड़कियां, सभी का समावेश होता है। हमारे परिवार हमारे समाज के घटक होते हैं। समाज में विभिन्न गुट, संस्थाएं, संगठन होते हैं। लोगों में पारस्परिक संबंध, व्यवहार, उनके बीच के आदान प्रदान आदि का समावेश समाज में ही होता है। मनुष्यों के जत्थे या भीड़ को समाज नहीं कहते, मनुष्यों के जत्थे या भीड़ को समाज नहीं कहते, बल्कि जब किसी समान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एकत्रित आते हैं तब उनका समाज बनता है। अर्थात जब किसी समान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एकत्रित आते हैं तब उनका समाज बनता है। तो ये प्रश्न है बृहत रूप से कि समाज कहते किसे हैं। और आपको जानकारी हो गई कि समाज बनता कब है। जब लोग किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं तब उनका समाज बनता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से समाज कब बनता है और समाज किसे कहते हैं, इन दो प्रश्नों का उत्तर आप क्या करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए और सामाजिक जीवन व्यतीत करने की कोशिश करिए कि समाज में रह करके सामाजिक बने, ना कि असामाजिक बने। धन्यवाद सभी को।